ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 राइट। इस वीडियो में ये हमारा सेकंड वीडियो है एक्सरसाइज 6.1 पे, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इन फिगर 6.16 If x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. बात समझ में आया? क्वेश्चन गिवन है आपका इन फिगर 6.16, ये फिगर 6.16 है, फिगर 6.16 एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, एक्सरसाइज 6.1। If x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आपको बताया था कि हमें क्या करना होगा, फिगर बनाना होगा। तो जो फिगर गिवन है इसे बना लेते हैं। लाइन का नेम राइट कर देते हैं। ए बी लाइन है, ए ए बी लाइन, और यह आपका पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट है, ओ सी ए एंड ओ बी ए। ओके, समझ में आ गया बच्चों? चलो सबसे पहले लाइन ए बी हमने ड्रॉ कर लिया, फिगर बना लेते हैं। ए बी क्लियर है। ओ पॉइंट पे जो है ओ सी रे स्टैंड कर रही है, ओ सी रे एंड ओ डी रे, राइट, ओ डी, दिस इज द पॉइंट ओ। ये क्या है पॉइंट आपका? ओ है। ओके, एंगल एक्स, दिस इज द एंगल एक्स, ए ओ सी इज एंगल वाई, एंगल वाई, एंड दिस इज द एंगल जेड, एंगल ए ओ डी, एंड एंगल बी ओ डी आपका है डब्ल्यू। ओके, ये फिगर गिवेन है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बताया था, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, फिगर बनाना। फिगर हमने बना लिया, ये बुक में दे रखा है, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब इसमें देखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, तो क्वेश्चन में देखें, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस y इज इक्वल टू w प्लस z, दिस इज द, ये गिवन है, x प्लस y इज इक्वल टू w प्लस z गिवन है, तो इसको हम गिवन में राइट कर लेते हैं। x प्लस y इज इक्वल टू w प्लस z, देन प्रूव दैट, इसके बाद प्रूव करना है, टू प्रूव ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी इज ए लाइन, ये हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी क्या होगा, एक लाइन होगा। ओके, चल प्रूव करते हैं। प्रूव, अब यहां पर ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पे एंगल एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू बन रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट से अगर आप मूव करें, किसी भी पॉइंट से मूव करें, तो आप देखेंगे कंप्लीट रोटेशन में ये सभी एंगल आ जाएंगे, राइट, समझना है। आप किसी भी पॉइंट से आप पहले मूव करते होंगे, उसी पॉइंट पर आएंगे, तो ये सभी एंगल क्या हो जाएंगे, उसके में कवर हो जाएंगे। ओके, तो दैट मीन्स आप कह सकते हो कि एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू क्या है, होल एंगल। होल एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, होल एंगल आपका क्या होता है, सपोज जैसे लाइन है, पॉइंट ओ है, राइट, तो यहां से इस तरह से रोटेट आप करो और उसी पॉइंट पहुंच जाओ, ठीक है। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। बात समझ में आया?
किसी भी पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होता है टोटल वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसके कैसे शो कर सकते हैं, इस तरह से हमने लाइन ओ के हमने रे ड्रॉ कर लिया, इस रे पे किसी पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने मूव किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से उसी पॉइंट पहुंच गया, जितना हमने मूव किया टोटल वो एंगल कितना होगा 360 डिग्री होगा। बात समझ में आया, तो किसी भी पॉइंट पे टोटल जो एंगल फॉर्म होता है 360 डिग्री होता है। यहाँ पर भी आप देखें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इनको ऐड कर दें तो कंप्लीट रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एक कंप्लीट रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स इन चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री के इक्वल होगा। देयरफॉर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना, कंप्लीट एंगल होगा। अब उसके बाद जो है गिवन देखो x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, इस गिवन का हम यहाँ पर यूज करेंगे, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि डब्ल्यू प्लस जेड के स्थान पे आप x प्लस वाई राइट कर सकते हो, दोनों इक्वल है ना, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, उसको हम इस तरह से राइट कर दें x प्लस वाई ब्रैकेट में कर दें प्लस डब्ल्यू प्लस जी एक ब्रैकेट में कर दिया इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसा कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ पर देखिए डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, दैट मीन्स डब्ल्यू प्लस जेड के स्थान पे एक्स प्लस वाई हम राइट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। चलिए करते हैं, एक्स प्लस वाई को हमने रहने दिया, ठीक है, प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस जेड के स्थान पर हम राइट करेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, क्यों किया आपको बताया कि दोनों इक्वल है तो इसके स्थान हम x प्लस वाई राइट कर सकते हैं या x प्लस वाई के स्थान पर w प्लस जेड राइट कर सकते हैं, कोई भी आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है ना, या तो w प्लस जेड को x प्लस वाई से रिप्लेस करो या तो x प्लस वाई को w प्लस जेड से रिप्लेस करो, हमने w प्लस जेड को x प्लस वाई से रिप्लेस किया, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, ब्रैकेट में ऐड करें x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप x प्लस वाई है तो टू ब्रैकेट x प्लस वाई के हैं तो उनको हम कंबाइन करके राइट कर दिए टू ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। तो यहां से टू से डिवाइड करें, टू से डिवाइड करेंगे क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई टू, टू से 360 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 × 2 2 8 16 180, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 180, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई क्या है, एंगल x और y इक्वल टू 180 डिग्री है, दैट मींस एंगल x और y आर लीनियर पेयर एंगल्स, देयरफॉर यहां से क्या पता चला है कि एंगल x एंड y आर लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, बात समझ में आया, लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि टू एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो दोनों एंगल क्या होता है लीनियर पेयर एंगल होते हैं, क्लियर हो गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल x और y लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा x प्लस वाई आपके लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे, तो इस केस में ए ओ बी क्या होगा स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगा, तो देयरफॉर ए ओ बी इज ए लाइन, बात समझ में आया बच्चों, ए ओ बी इज ए लाइन, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, आप देखो एक हमने लाइन ड्रॉ किया, इसने एक रे स्टैंड कर दिया इस तरह से, हमने कहा इसे ए इसे बी और ये पॉइंट आपका ओ है, ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, ओके। तो एक्स और वाई दोनों का सम 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन लाइन फॉर्म हो रहा है, या सिंपली आप ऐसे समझें अगर एक्स और वाई का सम 180 डिग्री है तो ए ओ बी क्या होगा स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगा, ए ओ बी क्या होगा स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा, ओके। और इन दोनों एंगल को जब दोनों का सम 180 डिग्री होता है तो इनको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, ओके। बात समझ में आ गया स्टूडेंट्स, तो इसे नोट डाउन कर लें, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है, आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लीनियर पेयर का कंसेप्ट भी समझ में आपको आ गया होगा कि एक्स और वाई आपके
दो एंगल्स हैं, रन का सम 180 डिग्री है। देखो एक्स एंगल एक्स और वाई को एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। इनका जो कॉमन आर्म है आपका है ओसी है, नॉन कॉमन आर्म ओए एंड ओबी है, राइट। तो अगर ओए ओबी नॉन कॉमन आर्म है और इनके बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है 180 डिग्री है, तो ए ओबी क्या होगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन होगा। आप कैसे भी समझ सकते हैं, ओके। चलिए रब कर दें, रब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन, POQ इज ए लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड QR, OP एंड QR. Prove that angle ROS is equal to 1/2 in bracket angle QOS minus angle POS. ये आपको प्रूव करना है, ओके। क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ये फिगर दे रखा है, इसमें एंगल ROQ आपका 90 डिग्री, OS जो लाइन रे है एंगल ROP के बीच में आ रहा है। तो हमें ये शो करना है कि एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल इन ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS होगा। चलिए आइए प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। जैसा कि हमने कहा है, पहला काम हमारा क्या होगा, फिगर बनाना होगा। चलिए फिगर बनाइए। PQ लाइन हमने ड्रॉ किया, OP एक लाइन स्कैन हो रही है, स्कैन कर लिया। लाइन OR क्या है, रे है, ओके। एंड ये OS इज बिटवीन ROP, ठीक है ना। ये फिगर आपको बन गया। एंगल ROQ आपका है 90 डिग्री, ROQ क्या है 90 डिग्री। देखिए गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले हमने बताया कि गिवन लाइक करेंगे, फिगर बनाने के बाद गिवन लाइक करेंगे। गिवन में है ये बोला जा रहा है कि OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, मतलब OR इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन है, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये मतलब गिवन इंफॉर्मेशन है, बना भी रखा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद टू प्रूव, हमें जो टू प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS, ओके। चलिए प्रूफ करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखो इसको हमें प्रूव करना है। इसमें प्रूफ करने से, स्टार्ट करने से पहले इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं उन पे ध्यान देंगे। ROS एंगल आ रहा है, ROS, QOS, QOS आ रहा है और POS, POS आ रहा है, ओके। देखिए ROS आ रहा है, QOS आ रहा है और POS आ रहा है। तो हम इसी के फॉर्म में क्वेश्चन को राइट करने की कोशिश करेंगे, बात समझ में आ गया। तो पहला हम राइट करेंगे, देखें एंगल QOS प्लस SOP क्या होगा, एंगल QOS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर एंगल से एंगल QOS, ये वाला एंगल QOS प्लस एंगल POS, ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, 180 डिग्री होगा। आप इन्हें राइट कर सकते हैं लीनियर पेयर्स एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर्स एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1
बोल देते हैं क्या इक्वेशन नंबर ओके। सिमिलरली हम राइट कर सकते हैं, यहां देखें एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री होगा क्योंकि आर ओ क्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आर ओ पी भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि पी ओ क्यू क्या है? स्ट्रेट लाइन है। वास्तव में पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है जिसमें से आर ओ क्यू 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग आर ओ पी कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंड एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों क्या है? 90 डिग्री हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप बोल सकते हैं इनको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री ओके। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय टू इन बोथ साइड, दैट मीन्स इसको राइट ट्राई कर सकते इस तरह से, टू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पी ओ एस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 2 × 90 डिग्री, ऐसा कर सकते हैं ठीक। इक्वेशन में दोनों तरफ से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, जिसका हमें एडवांटेज मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो टू का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2 angle POS + 2 angle ROS is equal to 180 degree। इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देते हैं ओके। अभी देखें इक्वेशन 1 and 2 में, इक्वेशन 1 and 2 में राइट साइड यहां पर 180 डिग्री है, यहां पर भी 180 डिग्री है, बात समझ में। दोनों में राइट साइड 180 डिग्री है तो लेफ्ट साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट साइड इक्वल दैट मीन्स लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएंगे, बात समझ में। तो स्टूडेंट्स हम जो है इसको राइट कर सकते हैं एंगल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 टू टाइम्स ऑफ एंगल पी ओ एस प्लस टू टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, ऐसा कर सकते हैं। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इक्वेशन 1 आपको समझ में आ गया, एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 180 डिग्री है इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 2 है 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ओ एस प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल टू 180 डिग्री इक्वेशन नंबर 2। राइट साइड में दोनों में 180 डिग्री है, इसका मतलब लेफ्ट साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, लेफ्ट साइड हमने इक्वल कर दिया ओके। यहाँ आगे सॉल्व करते हैं, मैं रख कर देता हूँ यहाँ पे देखिए 2 angle POS + 2 angle ROS = angle QOS + angle POS, एंगल पी ओ एस यहाँ पर है और 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ओ एस यहाँ पर है, इस एंगल पी ओ एस को हम लाएं लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ओ एस प्लस एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा ना, एंगल पी ओ एस को हम इधर ला रहे हैं लेफ्ट साइड, माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस ओके, ये हो जाएगा, बात समझ में आया। एंगल पी ओ एस को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे जहां प्लस साइन है माइनस साइन हो जाएगा, बाकी एजीटी अपने पोजीशन पर बने रहेंगे। देखिए एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस क्या हो जाएगा,
यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल पी ओ एस प्लस और टू टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, राइट। ऐसा हो जाएगा। देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1.2 एंगल क्यू ओ एस एंगल माइनस एंगल पी ओ एस। पी ओ एस को पहले हम ट्रांसफर करते हैं राइट साइड में, पी ओ एस को ट्रांसफर करते हैं राइट साइड में, हो जाएगा टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस क्यू एस, इधर आएगा साइन हो जाएगा चेंज, माइनस एंगल पी ओ एस। ओके, यहाँ टू आ रहा है, टू से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1.2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आ गया, प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, यही सो करना था। ओके, नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका है, इट इज गिवेन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाई सिक्स एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ओके, क्वेश्चन रीड कर लिया, चलिए पहले फिगर बनाते हैं। देखिए इसमें फिगर नहीं दी मैंने स्टूडेंट्स, इसमें फिगर बनाना पड़ेगा, राइट। पहला काम जैसा कि बताया था आपको कि पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ओके, फिगर कैसे बनाएंगे ध्यान से देखें। क्वेश्चन अगेन, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। वास्तव में एक्स वाई एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ठीक है, एक्स यहां पर एक्स नाम दे दिया, यहां पर नाम लिया वाई, ठीक है, प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जा रहा, मतलब आगे की तरफ प्रोड्यूस किया जा रहा आपको पॉइंट पी तक। वास्तव में एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, इसी को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो पी तक जो है लाइन को एक्सटेंड कर दिया गया, राइट। समझना है, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई जेड वास्तव में है एक्स वाई, वाई पे एंगल कितना बन रहा है 64 डिग्री, ये वाला एंगल 64 डिग्री। ओके, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू, रे वाई क्यू बाई से एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी, वाई क्यू, वाई क्यू एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है जो कि एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। वास्तव में बाइसेक्ट मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू एंड क्यू वाई पी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बाइसेक्ट कर रहा है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। चलिए देखिए गिवन में क्या है, फिगर बन गया स्टूडेंट्स, फिगर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद इसी को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया पी पॉइंट तक, ठीक है, एक्स वाई पी लाइन बन गया। वाई पे एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, इसे बना देते हैं, बना दिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि वाई क्यू जो है, वाई क्यू रे एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसके मिडिल से हमने वाई क्यू रे ड्रॉ कर दिया, एक्सटेंड कर दिया लाइन एक्स वाई पी पे। ओके, चलिए गिवन में देखें, गिवन में है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, ये गिवन है। और सेकेंड में कि ये बोला जा रहा है कि वाई क्यू जो है एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज आप कह सकते हैं एंगल जेड
वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई पी डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, इसके बाइसेक्टर एंगल्स है, ठीक है, हाफ हाफ हो जाएंगे, बात समझ आए, समझ आ गया, हाफ हाफ दोनों एंगल्स होंगे, ऐसा हम राइट कर सकते हैं, ओके। ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, टू फाइंड, जो फाइंड आउट करना है उसे राइट डाउन कर लें। इफ रे वाई क्यू बाई सेक्टर एंगल, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, तो ये फाइंड आउट करना, ठीक है, ये एंगल फाइंड आउट करना। दूसरा एंगल फाइंड आउट रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, इसे फाइंड आउट करना, ओके। ये दो एंगल फाइंड आउट, ठीक है, चलिए प्रूफ। अब हम करते हैं प्रूफ, दैट मीन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखें एंगल एक्स एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, तो एंगल जेड वाई पी फाइंड आउट किया जा सकता है। देखो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, लीनियर पेयर एंगल्स है, लीनियर पेयर एंगल, एंगल्स बात समझ आए स्टूडेंट्स। तो यहां पर एंगल एक्स वाई जेड दिया है 64, यहां 64 पुट कर दें, प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, यहां से आपका आ जाएगा एंगल जेड वाई पी इक्वल टू, जेड वाई पी फाइंड आउट करें 64 को राइट साइड पर ट्रांसफर करें, क्या 180 माइनस 64 सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या आ जाएगा, 10 में से 4 6 आ जाएगा, 7 में 6 1 और 160 डिग्री एंगल जेड वाई पी, ठीक है, 164 16 कितना समझ आ गया। इसके बाद इसे रफ कर दें, क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। अब देखिए एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 116 डिग्री, हमें क्या एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना, एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जेड वाई क्यू पता करना होगा, ठीक है, जेड वाई एंगल जेड वाई क्यू क्या आ जाएगा, एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू हो जाएगा एंगल जेड वाई पी का हाफ, दैट मीन्स एंगल जेड वाई पी डिवाइडेड बाई टू है ना, और जेड वाई पी क्या है 116 डिवाइडेड बाई टू, टू से डिवाइड कर दें, 25 का 10 टू 8 जा 16, एंगल जेड वाई क्यू आपका आ गया 58 डिग्री, बात समझ में आ चुका, समझ में आ गया, एंगल जेड वाई पी आपने फाइंड आउट कर लिया। यहां से देखें एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू क्या होगा, जेड वाई पी डिवाइडेड बाई टू होगा, जेड वाई पी 116 डिवाइडेड बाई टू, 116 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 58 डिग्री आ जाएगा, समझ में आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना था एंगल एक्स वाई क्यू, यहां से देखें therefore एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या होगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू हमें ये फाइंड आउट करना है, एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल, ठीक है, एक्स वाई क्यू एंगल क्या होगा, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू आ जाएगा, एंगल एक्स वाई क्यू क्या है 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू आपका 58 डिग्री आया, ऐड कर लें 8 प्लस 4 12 का 2 6 प्लस 5 11 1 कैरी 122 डिग्री आ जाएगा एंगल एक्स वाई क्यू, ओके, यदि बात समझ आई, एंगल एक्स वाई क्यू आ गया। अब एंगल वाई पी क्यू वाई पी, क्यू वाई पी क्या होगा, एंगल क्यू वाई पी, अब यहां पर देखें एंगल क्यू वाई पी जेड वाई क्यू इक्वल है, तो आप कह सकते हैं एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल
जेड वाई क्यूब, और एंगल जेड वाई क्यूब आपने कैलकुलेट कर लिया 58 डिग्री। दैट मीन्स एंगल क्यू आई पी कैलकुलेट कर लिया 58 डिग्री। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि एंगल क्यू आई पी और एंगल जेड वाई पी दोनों इक्वल है। एंगल जेड वाई पी हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है, इसके स्थान पर 58 डिग्री आ जाएगा। एंगल क्यू आई पी 58 डिग्री आ गया। हमें रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू आई पी। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल जब भी फाइंड आउट करते हैं तो एंगल को हम 360 डिग्री माइनस कर देते हैं ना, 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। दिस इज कॉल्ड 360 में से 58 माइनस करें, 0 से 10, 10 से 8 2 आ जाएगा, 5 से 0 और 302 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी इक्वल टू 302 डिग्री। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना था हमने कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।